हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है पैरामेडिकल पॉलिटेक्निक और आईटीआई के इस नंबर वन यूट्यूब चैनल टोटल लर्निंग पर। तो दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं पैरामेडिकल वालों के लिए दोस्तों लाइव क्लास, जो कि हमारे इस चैनल पे डेली के 8 बजे शाम में होता है, है ना। तो सभी बच्चे डेली से लाइव 8 बजे जुड़ेंगे। और आज की जो क्लास होने वाली है ना, केमिस्ट्री का चैप्टर 2 होने वाला है सर, केमिस्ट्री का चैप्टर 3। हाँ ना, चैप्टर 3 हम लोग करने वाले हैं। चैप्टर 3 को स्टार्ट करेंगे, जिसमें आज पढ़ने वाले हैं विलय यानी कि सॉल्यूशन के चैप्टर को। तो सभी बच्चे एकदम बढ़िया से, क्योंकि इस चैप्टर से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप चाहे पॉलिटेक्निक का एग्जाम दो, चाहे पैरामेडिकल का, चाहे आईटीआई का, इन तीनों के एग्जाम में सर इस चैप्टर से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। और दोस्तों, अगर आप प्रत्येक क्लास का पीडीएफ या क्लास का नोटिफिकेशन वगैरह और भी कोई चीज़ का नोटिस जानना चाहते हैं, तो आप हमारे टोटल लर्निंग के टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, या फिर टोटल लर्निंग के एप्लीकेशन से जुड़ सकते हैं। जिन्होंने एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किया सर, तो ऐप को जरूर से जरूर डाउनलोड करें। चलिए, तैयार है सभी विद्यार्थी? एक बार कमेंट में सही बच्चे यस यस लिख देंगे और एक बार तहलका मचा के शेयर कर देंगे, ताकि हमारे साथ बच्चे बहुत संख्या में जुड़ जाएं। चलिए चलिए, ठीक है भाई, चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ला रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव का पहला सीरीज दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, निलंबन में निलंबित कणों का आकार होता है। यहाँ पे दोस्तों जो विलयन होता है ना, विलयन में 3 प्रकार के होते हैं, है ना। पहला आपका तो विलय का अणु हो जाएगा, फिर निलंबन अणु होगा, फिर कोलाइडल अणु होगा। तो यहाँ पे आपसे पूछा निलंबन में निलंबित कणों का आकार कैसा होता है, है ना, कितना होता है। ऑप्शन नंबर 10 के पावर माइनस 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी कहता है 10 के पावर माइनस 3 सेंटीमीटर, और ऑप्शन नंबर सी कहता है 10 के पावर माइनस 6 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बताइए, निलंबन में निलंबित कणों का आकार क्या होता है सर? आपके एग्जाम के लिए मोस्ट बीबीआई 2021 में क्वेश्चन पूछा था, 2019 में एक क्वेश्चन पूछा था, जो अभी मैं करवाऊंगा इस क्लास में अभी। चलिए, बहुत अच्छा। यदि दोस्तों आप लोगों में से सभी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर बी को बता रहे 10 के पावर माइनस 3 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? बी हो जाएगा सर, बहुत अच्छा। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, कहता है किसी घोल में अल्कोहल का 1 मोल तथा पानी के 4 मोल हैं, तो पानी का मोल प्रभास है, तो पानी का मोल प्रभास क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1/5, ऑप्शन नंबर बी है 4/5, ऑप्शन नंबर सी है 1, ऑप्शन नंबर डी है 4। बताइए, फटाफट बताइए सभी विद्यार्थी इसका आंसर। हाँ जी, तो इसका आंसर आप सभी लोग याद रखेंगे, है ना, ट्राई किए सभी लोग ट्राई करिए। आंसर मैं बता रहा हूं, 4/5 यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर बी वाले विद्यार्थियों का यहाँ पे सही है। सभी बच्चों से बना होगा उम्मीद है, है ना। अगर आप लोगों ने विलयन यानी सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ा है तो जरूर बनेगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए, क्वेश्चन नंबर तीसरा कहता है, यदि किसी विलयन का पीएच मान 6 है तो विलयन होगा। यदि किसी विलयन का पीएच मान कितना है सर? पीएच का मान कितना है? 6 है, तो विलयन कैसा होगा? उदासीन, अम्लीय या क्षारीय या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए, तो ध्यान रखना है दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, है ना, 7 से कम है, 6 7 से कम होता है। 7 से कम होने का मतलब दोस्तों क्या हो गया? अम्लीय हो गया, एसिड हो गया सर, है ना। और 7 से अधिक मतलब कि बेस हो गया, 7 से अधिक मतलब बेस हो गया। आप सभी से मैं पूछूं दोस्तों कि बताइए, रक्त का हो गया ना ये सब चीज़। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सब चीज़ तो हमने बता दिया है, चलिए याद रख लीजिएगा सारा चीज़, है ना, नींबू का, सिरका का, दूध का, ये सब, है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 कहता है दोस्तों, विलयन में विलय के अणु का आकार होता है, विलयन में विलय के अणु का आकार कितना होता है? तो याद रखना है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए 10 के पावर माइनस 8 सेंटीमीटर, है ना, 10 के पावर माइनस 8 सेंटीमीटर होता है, ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, है ना, ये किसका बात कर रहे थे सर, 10 के पावर माइनस 8 किसका होता है? तो यह विलयन केवल लिख दिया, एक चीज़ और लिखना चाहिए था आपको, वास्तविक विलयन में दोस्तों विलय के अणुओं का आकार कितना होता है? 10 के पावर माइनस 8 होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन सेम इसी तरीके है दोस्तों, कोलाइडी कणों का आकार कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए 10 के पावर माइनस 5,
या 10 के पावर माइनस 7 सेंटीमीटर के बीच में। ऑप्शन नंबर बी देख सकते हैं 10 के पावर माइनस 3, ऑप्शन नंबर सी है 10 के पावर माइनस 8 और ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा आप सभी लोग इसका आंसर, ठीक है। यहाँ पे क्या है दोस्तों, कोलाइडी कण है ना, तो कोलाइडी कण का जो आकार होता है ना, याद रखना ऑप्शन नंबर है 10 के पावर माइनस 5 से 10 के पावर माइनस 7 सेंटीमीटर के बीच में होता है, ठीक है। किस में होता है? बीच में होता है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 कहता है सोडियम कार्बोनेट का अनुभार कितना है, 106 है, और 100 सीसी सोडियम कार्बोनेट का एक मोलर घोल बनाने के आवश्यक सोडियम कार्बोनेट की मात्रा होगी। यानी कि दोस्तों हमको क्या करना है, देखिए सोडियम कार्बोनेट का अनुभार कितना है, 100 है, 106 है, और द्रव जो इसका वॉल्यूम है, सोडियम कार्बोनेट का जो वॉल्यूम है वह 100 सीसी है, और एक मोलर घोल बनाना है, तो बताइए सोडियम कार्बोनेट की मात्रा कितनी मिलानी पड़ेगी, कितनी होनी चाहिए। तो चलिए इसका आंसर आप सभी लोग याद रखेंगे, ठीक है, ट्राई करिए। ये सब याद रखने वाला नहीं है, क्वेश्चंस बनाने वाले हैं, आपको पढ़ना पड़ेगा सर, और ये सब क्वेश्चंस करने के लिए सर विशाल सर का क्लास ज्वाइन करना पड़ेगा केमिस्ट्री का सर, ठीक है। 21 यानी 21 मार्च से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो रही है। तो सही बच्चे पैरामेडिकल की अगर बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए 699 का सफलता बैच आया हुआ है। जिन बच्चे ने नहीं ज्वाइन किया ज्वाइन करिए, और अगर कोई दिक्कत होता है कोर्स लेने में तो इस नंबर पे आप लोग कॉन्टेक्ट करके हमसे कोर्स को ले सकते हैं। देखिए 7372039013 ये नंबर है सर, टोटल लर्निंग का नंबर है, आप इस पर कॉल करके अपना इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 कहता है दोस्तों, सोडा की जल में विलयता 20 डिग्री ताप पर है ना 31.5 है ना, सोडा की जल में विलयता 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर 31.5 है, इस ताप पर 10 ग्राम जल में कितना सोडा घुलाया जाए कि विलयन संतृप्त बन जाए। विलयन को क्या करना है सर, संतृप्त बनाना है। सबसे पहले आप लोगों को ये चीज़ पढ़ाया गया होगा कि संतृप्त विलयन किसे कहते हैं, है ना। तो कोई भी एक फिक्स टेम्परेचर पे ना दोस्तों, फिक्स टेम्परेचर पे है ना, जितना ज़्यादा मटेरियल घुलाइएगा, जैसे मैं इसका एग्जांपल बताता हूँ, पानी लीजिए, पानी में चीनी घोलिए आप, क्या होगा, एक मात्रा में घुलेगा। अब उसको और चीनी घोलना, आप एक गिलास लिए और कितना चीनी लिए, आधा किलो लेके आए, जिसमें से 250 ग्राम डाल दिए शरबत बनाने के लिए, तो 250 ग्राम घुल गया। अब और 250 ग्राम है, उसमें से आप 250 ग्राम डाल दिए, अब क्या होगा, अब चीनी एक समय ऐसा आएगा कि नहीं घुलेगा, उसमें चीनी पेंदी में जाकर के जमा हो जाता है। अब उसको घुलाने के लिए क्या किया जाता है, उसको पानी को गर्म करते हैं, पानी को गर्म करते हैं ना, पानी को गर्म करते हैं ना, तो वही जिस टेम्परेचर पे संतृप्त को और मात्रा घुलाया जाता है ना, वही हमारा क्या कहलाता है, संतृप्त विलयन कहलाता है, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर आप सभी लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 3.15 है ना, यानी कि 1.5 इसको कहते हैं, 3.15 ग्राम, ठीक है। जल में 10 ग्राम जल में कितना सोडा घुलाया जाएगा, तो 3.5 ग्राम को ही घुला सकते हैं कि वह संतृप्त हो जाएगा पूरा। अब उसमें कोई भी जल को नहीं घुलाया जा सकता है ना, फिक्स हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 कहता है सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुभार कितना है, सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुभार कितना है, 98 का 500 ml एक मोलर बनाने के लिए आवश्यक सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा होगी। आवश्यक सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा क्या होगी, ऑप्शन नंबर ए है 98 ग्राम, ऑप्शन नंबर बी है 49 ग्राम, ऑप्शन नंबर सी है 98.9 ग्राम, ऑप्शन नंबर डी है 4.9 ग्राम। बताइए फटाफट सभी विद्यार्थी इसका आंसर। तो चलिए इसका आंसर आप सभी लोग मिलाएंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 49 ग्राम, यानी कि 49 ग्राम इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा होगी। तो देख सकते हैं आपके एग्जाम में किस लेवल का प्रश्न पूछा जा सकता है, इससे टफ लेवल का, आपके एग्जाम से टफ लेवल का करवा दे रहा हूँ ना, इसमें पॉलिटेक्निक ITI पैरामेडिकल सब का हो रहा है सर, तो सभी लोग जुड़ा करिए, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 कहता है 0.001 है ना मोल है, एम का मतलब क्या होता है मोल, HCl के घोल का pH मान कितना होगा, HCl के घोल का pH मान कितना होगा, तो इसको निकालने का भी फॉर्मूला होता
है ना, पीएच बराबर क्या होता है, माइनस लॉग एच प्लस होता है। तो ये सब चीज़ें आपको फॉर्मूले याद रहेंगे, आपको बताया जाएगा न्यूमेरिकल, तब ना क्लास में जुड़िएगा तब ना ये सब चीज़ें होंगी। तो चलिए इसका आंसर आप सभी लोग याद रखेंगे। देखिए जिन जिन बच्चे मिला रहे हैं सभी लोग मिलाएंगे ऑप्शन नंबर सी यानी कि 10 वाले का सही है। 0.001 मोल वाला HCl घोल का पीएच मान कितना होता है, तो 10 होता है। तो जो जो स्टूडेंट्स बनाए हैं और यदि उनका 10 आया है तो एकदम करेक्ट है, अगर गलत आ रहा है तो फिर से बनाने की आपकी आवश्यकता है। चलिए इसी बात पे अगला प्रश्न देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है जिस विलयन में हाइड्रोजन का आयन का सांद्रण 10^-14 मोल है तो उसमें हाइड्रोक्सिल आयन का सांद्रण होगा, हाइड्रोक्सिल आयन का सांद्रण होगा। ऑप्शन नंबर ए 10^-4, ऑप्शन नंबर बी 10^-14, ऑप्शन नंबर सी 10^-10, ऑप्शन नंबर डी 10^-4। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा, सभी लोग बनाए, बहुत अच्छा ठीक है, अगर बना लिए तो सही है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सर, 10^-10 हो जाएगा, ठीक है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मिला लीजिए सभी विद्यार्थी, बना लिए तो अच्छी बात है, और नहीं बनाए तो सभी लोग बनाइए अभी अभी के अभी बनाइए। चलिए अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है निम्न में सबसे कम विलय कौन है। इस टाइप का आपके एग्जाम में प्रश्न आ जाएगा, इस टाइप का आपके एग्जाम में प्रश्न आएगा। नोमेरिकल तो केमिस्ट्री में कम आता है बट लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन पॉलिटेक्निक में नोमेरिकल बहुत ज़्यादा आता है। तो पॉलिटेक्निक वाले बच्चे नोमेरिकल को सॉल्व करेंगे, पैरामेडिकल वाले ये सब जो क्वेश्चन है ना इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सबसे कम विलय कौन है, Na2SO4, Na2SO4 इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए तो इसी बात पे क्वेश्चन नंबर 12 कहता है निम्न में कौन पदार्थ जल में अविलय है। निम्न में कौन पदार्थ जल में अविलय, ऑप्शन नंबर ए सोरा, ऑप्शन नंबर बी तूतिया, ऑप्शन नंबर सी चूना पत्थर, ऑप्शन नंबर डी नौसादार। निम्न में कौन सा जल, कौन सा पदार्थ जल में अविलय यानी कि अघुलनशील है। बहुत अच्छा, यदि आप लोग ऑप्शन नंबर ए डी है ना, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा जी, चूना पत्थर, हाँ जी याद रखना है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी वाले स्टूडेंट्स का सही है। 12 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चूना पत्थर को जल में नहीं घोला जा सकता है ना, चूना को घोल सकते हैं लेकिन चूना पत्थर को नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 कहता है दोस्तों शरबत एक मिश्रण है, शरबत एक मिश्रण है, जब चूना पत्थर को डालिएगा ना जल में तो वह जल को खौलाने लगता है और अवशोषित कर लेता है, जल को क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। शरबत एक कैसा मिश्रण है, समांगी मिश्रण या असमांगी या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा शरबत एक प्रकार का समांगी मिश्रण है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए वाले स्टूडेंट्स का यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखना ऑप्शन नंबर ए वाले स्टूडेंट्स का यहाँ पे सही है। चले इसी बात पे अगला प्रश्न करिए। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है संतृप्त विलयन में विलय का एक रवा डालने पर रवा होगा, क्या होगा। संतृप्त विलयन में एक विलय का रवा डालते हैं तो क्या होगा, घुल जाएगा या अवक्षेपित हो जाएगा या नहीं घुलता है या इनमें से कोई नहीं होगा। तो ध्यान रखना है संतृप्त है यानी कि तो एकदम पूरा अपने तरफ से पेट भर गया इसको, अब खाने की आवश्यकता नहीं है, तो नहीं है सर तो ये क्या करेगा, अब अवक्षेपित कर देगा, क्या कर देगा, अब अवक्षेपित कर देगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो जो जो स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी बताएं उन सभी विद्यार्थियों का सही है। अगला बताइए क्वेश्चन नंबर 15 कहता है इस्पात एक विलयन है। इस्पात क्या सर, एक विलयन है, लेकिन यह किस प्रकार का विलयन है, ठोस गैस का या गैस गैस का या ठोस ठोस का या गैस द्रव्य का। तो इस्पात एक प्रकार का सर ठोस विलयन है, यानी यह मिक्सर है, मिश्रण है, तो ठोस और ठोस को जोड़ते हैं तभी ना जाके इस्पात बनता है, तभी ना जाके इस्पात बनता है। तो ऑप्शन नंबर सी वाले विद्यार्थियों का यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों आज की क्लास आप सभी को अच्छी लगी हो, तो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास फैलाइए इस, और जो बच्चे हमारे 7 क्लासेज में नहीं जुड़े हैं तो सर डेली 8 बजे जुड़ा करिए, डेली आप लोग 8 बजे जुड़ा करिए, जो कि हमारे इस चैनल पे कंडक्ट कराया जाता है पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल और आईटीआई। पॉलिटेक्निक का है दोस्तों सुबह के, पॉलिटेक्निक का सुबह में, और आईटीआई का शाम के 7 बजे
ठीक है, शाम के 7 बजे पैरामेडिकल का, 8 बजे जो कि अभी आप लोगों ने किया, और टेलीग्राम पे आपको जुड़ना है, टेलीग्राम पे इन्फॉर्मेशन सारा चीज़ दिया जाएगा। उम्मीद है आप सभी को ये क्लासेज अच्छी लगी, तो जय हिंद जय भारत एक बार कमेंट में सभी बच्चे लिख देंगे। चलिए बहुत अच्छा, बाय।